नमस्कार, डोगरी खबरें देश बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं राजन बड़ियाल। ते पहले मुख मुख खबरां। अज पूरी दुनिया च मनाया जा करदा है विश्व पर्यावरण दिवस। थारे थारे जागरूकता कार्यक्रमें दा ओह करदा है आयोजन। प्रधानमंत्री होरें आखिया जे विकसित पश्चिमी देश गै करा करदे ने प्राकृतिक संसाधनें दा शोषण। कार्बन उत्सर्जन लई इहे मुल्क ने जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर थमां 145 अकीदतमंदें दा पहला जत्था अज लई रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें दित्ती शुभकामना। ते श्री माता वैष्णो देवी ते शिवखोड़ी तीर्थ स्थान उपर इस बरे दे पहले पंजे महीने दौरान गै 40 लाख थमां वध श्रद्धालुएं कीते दर्शन। ते हुण खबरां विस्तार करना है। अज पूरी दुनिया च विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा करदा है। यह ध्याड़ा पर्यावरण, प्रकृति ते धरती दे संरक्षण लई लोकें च जागरूकता पैदा करने दे मकसद कन्नै मनाया जांदा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम तहत 1973 बरे थमां गै यह ध्याड़ा हर बरे 5 जून गी मनाया जांदा है। इस मौके उप्पर दुनिया भर च थारे थारे जागरूकता प्रोग्रामें दा आयोजन किया जा करदा है। विश्व पर्यावरण दिवस दे इस बरे दा विषय है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ओनली वन अर्थ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरें आखिया जे जलवायु परिवर्तन च मुल्खां दी भूमिका बेशक बड़ी घट रही गई है, पर पर्यावरण दे संरक्षण लई भारत ने नेकां सतह उपर जतन कीते ने। उन्हें एह गल अज विश्व पर्यावरण दिवस उपर नवीं दिल्ली च लोआए गए सेफ सॉयल मूवमेंट समारोह गी संबोधित करदे हुए आखी। उन्हें आखिया जे भारत ने अपने तय लक्ष्य कोला पहले गै पेट्रोल च 10% इथनोल मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्हें यह भी आख्या जे विकसित पश्चिमी मुल्क कुदरती संसाधनों का बेतहाशा शोषण करा करते हैं ते पर्यावरण च कार्बन उत्सर्जन लई मते तौर उपर उगे मुल्क जिम्मेदार ने। श्री मोदी होरें आख्या जे सरकार की तरफा दा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान, नमामी गंगे ते वन सन वन ग्रिड जनेही स्कीमां पर्यावरण के संरक्षण का सुनेहा दिंदियां ने। उन्हें आख्या जे पहले किसानें की जिमी की सेहत के बारे च जानकारी नहीं हुंदी ते ना गै इस समस्या का कोई हल उंदे कोल हुंदा हा। उन्हें आख्या जे इहदे लई सरकार की तरफा दा जिमी सेहत कार्ड स्कीम शुरू की गई है ते उन्हें तोड़ी मुल्खां दे तकरीबन 22 करोड़ किसानें की यह कार्ड दिते जा चुके ने। लगातार क्षरण हो रहा है, उसे कैसे रोके? साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। अज विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरें पर्यावरण बारे जीवन शैली मुहिम की शुरुआत वर्चुअल ढंगा कन्नै कीती। इस मुहिम राहें शिक्षाविदें, यूनिवर्सिटियों ते शोध संस्थानें कोला विचार ते सुझाव हासिल किए जांगन तां जे लोग पर्यावरण लई एक जागरूक जीवन शैली अपनान। प्रधानमंत्री होरें पिछले वरे ग्लासगो च लगी दी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कांफ्रेंस च बोलदे हुए इस विचार की दुनिया के सामने रख्या है। पर्यावरण दिवस के मौके उपर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू होरें लोगों की प्रकृति कन्नै जुड़ने ते इसी होए दे नुकसान की भरपाई करने का आह्वान किया है। एक ट्वीट च श्री नायडू होरें आख्या जे इस बरे का विषय छड़ी एक पृथ्वी असेंगी चेता नुआंदी है। जे यह उपग्रह गै साड़ा घर है ते मौजूदा ते भविख दी पीढ़ियों की भलाई आस्तै असेंगी प्रकृति कन्नै मिलियै रौना लोड़दा। विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में जम्मू च भी नेकां थारे जागरूकता कार्यक्रम लोए गए। जम्मू च छन्नी मते इलाके च इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स की जम्मू इकाई की तरफा का एक सैमीनार लोया गया। इसका विषय है ओनली वन अर्थ। इस मौके उपर जम्मू कश्मीर पर्यावरण इंपैक्ट असैसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लाल चंद और मुख परौने हैं, जिले के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स की जम्मू इकाई के चेयरमैन डॉक्टर संजय खर होरें सैमीनार की प्रधानता की। सैमीनार च वक्ताएं पर्यावरण के संरक्षण के महत्व उपर अपने विचार प्रगट किए। पर्यावरण को बचाने में अपनी जगह पर अपने तरीके से इसमें अपना योगदान दे सकता है, चाहे वो है सही तरीके से अपने घर का कूड़ा करकट को ही उसको निस्तारण किया जाए, वेस्ट जो है उसको सही तरीके से जो है वो निस्तारण किया जाए,
प्लास्टिक को उपयोग जो है वो कम से कम किया जाए, पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, हम पानी को साफ सुथरा रखें, और जम्मू के लिए खास करके ये है कि हम नहरों में और तवी में कूड़ा करके ना डालें। हमें लगता है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें सबसे ज्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए हर जगह पे। अगर आपको कहीं पे दिखता है कि कोई ट्रीज काट रहा है तो उनसे पहले वजह पूछिए, अगर वैलिड रीजन नहीं है तो आप उन्हें काटने से मना कीजिए, बट हमें मोर एंड मोर ट्रीज ग्रो करने चाहिए जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे कम हो। उधमपुर च भी विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध च नेकां जागरूक प्रोग्रामों का आयोजन किया गया। इस मौके पर उधमपुर की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर श्वेता जंडियालू ने मनुखी जीवन लई पर्यावरण के महत्व उपर लो पाई। आज का दिन जो है वो मनाया जाता है एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हमारी तरफ से ये अपील रहेगी कि ऑलरेडी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट हो रहा है, और ऐसी चीज़ों से जहाँ पे लोग जो हैं वो अपने कुछ निजी फायदों के लिए जो है इस तरीके के कार्य करते हैं, उससे ऑन द बिगर स्केल बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचता है। फॉरेस्ट हम सबके लिए हैं। रियासी जिला इंतजामिया आसिया विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में जिले दी 200 थारें उपर सफाई मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की रियासी दी डिप्टी कमिश्नर बबीला रकवाल ने अपने कार्यालय के परिसर थमां आरंभ करवाया। आज अपनी एनवायरनमेंट को साफ करें, एक ही कहते हैं ना, वन अर्थ ओनली अर्थ एक ही है, और उसको अगर हम संभालेंगे नहीं, हम अपना अपना छोटा छोटा रोल प्ले नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आके उसको साफ नहीं करेगा। तो यही हमारा मकसद है आज सभी, और सभी मुझे बड़ी खुशी है सारे सेक्टरल ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक मुलाजिम साथ में जुड़ा है हमारे। इं के भद्रवाह च भी जंगलात महकमे की तरफा का सेना की राष्ट्रीय राइफल कानूनी सेवा संबंधी जिला अथार्टी भद्रवाह के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से मकामी पर्यावरण क्लबें के सहयोग कने बूटे लाने की एक मुहिम चलाई गई। इस मौके पर कानूनी सेवाएं संबंधी अथार्टी के जिला सैकटरी मुदसर फारूक के चार राष्ट्रीय राइफल के कमांडेंट रजत परमार और उत्थे खास तौर पर शामिल होइए इस कार्यक्रम की अगे बधाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और इसके साथ जो कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवाह है उनका जो इको क्लब है और डालसा जो मिलके हमने यहाँ पे किया हुआ, जिसमें एक एक सेरेमोनियल प्लांटेशन की गई है और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है पैरामाउंट है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बागवानी महकमे के इलेक्शन सैल पासिया राम मंदिर जिला प्रशासनिक परिसर च अज बूटे लाने के कार्यक्रम का सरिस्ता किया गया। राम मंदिर डिप्टी कमिश्नर मसरत इस्लाम ने बूटे लाने की इस मुहिम का उद्घाटन किया। इस मौके उन्हें अनार ते निंबू जाति के बूटे लाए। इस दौरान इलाके च सफाई अभियान भी रंभिया गया। एक प्लांटेशन ड्राइव भी रखी है। मकसद प्रोग्राम का यही है कि हम पंचायत लेवल पे अपनी जो विलेज प्लांटेशन पंचायत प्लांटेशन कमिटीज़ होती हैं VPPCs, उनको अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स के साथ कन्वर्ज करें। अखनूर ब्लाक दी बंदराल पंचायत च एक नाले उपर चेक डैम बनाए जाने करने मकामी किसानों की सिंचाई लई पेश मुश्किल दूर हुई गई है। केंद्र प्रायोजित स्कीम मनरेगा तहत बनाए गए इस डैम करने जिहड़ा पानी बरसाती रुड़ी है चली जांदा हा, उसी हुण रोके जाने दे चलदे उत्थे एक लौका जनेहा तलाब बनी गया है। इहदा पानी मकामी किसानां आसिया अपने खेतों की सिंचाई लई कीता जा करदा है। पहले सारा जो मलबा हा पानी सारा रुड़ी चली जाता हा, चेक डैम बनने के जमीन च पानी रुकया, फिर सारे मल्ला जो कून उपर चेरे आते। प्रोजेक्ट चल रहा है चेक डैम का, ये अंडर MG नरेगा के तहत चल रहा है। 30 लोगों ने इस पे इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया अंडर MG नरेगा के। तो कुछ वाटर रिचार्ज हुआ इधर, और इसके जो किनारे पे बेल बने हुए थे उनमें वाटर टेबल राइज हुआ, इससे लोगों को डबल बेनिफिट हुआ। एक तो उनको रोजगार मिला, दूसरा इधर एक पानी वाटर सोर्स बन गया उनके पानी के लिए। पूरे मुल्क की सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अज्जे थमां सबने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी मकामी इदारे की तरफा दा मुहिम शुरू की जा करती है। इस मुहिम तहत चलाए जाने वाले क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम तहत वातावरण की स्वच्छ बनाने लिए भी खास अभियान चलाए जांगन। अज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुरू की जा करती इस मुहिम तहत कूड़ा करकट के विज्ञानिक प्रबंधन बारे भी लोड़ दी गई पुटी जांगन। यह मुहिम 3 जून तोड़ी जारी रहेगी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अज उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर च संत कबीर अकैदमी ते शोध केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए राष्ट्रपति होरें आखिया कि संत कबीर होर मानवता का एक प्रतीक है ते उन्दे आसिया दित्ती गई शिक्षा अज साढ़े 600 बरे बाद भी उन्नी के सार्थक है जिनी उस मौके ही उन्हें संत कबीर हुंदे जीवन की सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल दसिया। राष्ट्रपति होरें आखिया कि संत कबीर होरें समाज च इरख प्रेम समर्पण ते समानता का संदेश दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल नवी दिल्ली च जन समर्थ नां दे एक राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत करगन। इस पोर्टल च माल कर्जे संबंधी सरकारी स्कीमें की जानकारी दी गई है। अपनी किस्मा दे इस पहले पोर्टल राहें लाभार्थी सीधे तौर पर कर्जा देने वाले कन्नै राबता कायम करी सकगन। जन समर्थ नां दे इस पोर्टल का मकसद लाभार्थियों की माली सहायता हासिल करवाई है, वख-वख क्षेत्रों च वाधे विकास की बढ़ावा देना है। इयां गै प्रधानमंत्री और कल डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करगन जिदे च दऊं मंत्रालय के कंप्यूटरकरण के सफर की जानकारी दी गई है। इस चाली प्रधानमंत्री और इस मौके उपर 1, 2, 5, 10 ते 20 रुपए के खास सिक्के की कड़ी भी जारी करगन। जम्मू कश्मीर थमां 145 अकीदतमंदे का पहला जत्था अज सऊदी अरब आस्तै रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें इन्हें यात्रुएं कन्नै गलबात की उनेंगी शुभकामना दित्तियां। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर पांडुरंग के पोले होरें इस मौके उपर उपराज्यपाल होरेंगी अज यात्रुएं आस्तै कीते गेदे प्रबंधें की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर ते लद्दाख थमां इस बरे तकरीबन 6,000 लोग अज यात्रा उपर जांगन। इंदे चा 5,856 कश्मीर घाटी थमां रवाना होंगन ते बाकी दे दिल्ली दे हवाई अड्डे थमां रवाना होंगन। उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार राजीव राय भटनागर ते प्रिंसिपल सचिव नितेश्वर कुमार होर भी इस मौके उत्थे मौजूद हे। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा उपर इस बरे के पहले 5 महीने दौरान गए 34 लाख थमां वध श्रद्धालु दर्शन लिए आए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारी ने दसिया जे पिछले बरे इसे अरसे दौरान तकरीबन 17.5 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन लिए आए हैं। इस तरीके रियासी के शिवखोड़ी तीर्थ स्थान उपर इस बरे मई महीने के खीर तोड़ी 6 लाख कोला वध यात्रु भगवान भोलेनाथ के दर्शन लिए आए। अधिकारी ने दसिया है जे कोविड महामारी की दुई लहर की बंदिशें खत्म होने परंत माता वैष्णो देवी ते शिवखोड़ी आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती च लगातार वाधा हुआ करता है। कटरा में जाते हैं उसके बाद वो भोलेनाथ के पास भी दर्शन करने आते हैं और कम से कम 3 लाख श्रद्धालु जो हैं ये आ चुके हैं और 3 लाख मैं बोल रही हूँ 5 महीने में। इनफैक्ट जो 3 दिवसीय मेला है उसको एक्सक्लूड करके है, अगर उसको भी इंक्लूड करें तो 6.5 लाख हमारे पास टूरिस्ट आ चुके हैं शिवखोड़ी में। और इस साल जो है रिलीजियस टूरिज्म ने रैली पिकअप किया है, बहुत पिकअप किया है कोविड के चलते हुए। उधमपुर की सुदमा देव थारा उपर लगने वाले 3 दिहाड़े के सालाना मेले की तैयारी का जायजा लिया गया। कल उधमपुर के अडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सईद खान ने इस बारे लाई गई इस बैठक च अधिकारियों की हिदायत जारी की थी जे मेले के शुरू होने कोला पहले यात्रुओं की सहूलत लई सबै लोड़चदे प्रबंध करी लैते जान। यह मेला इस महीने 13 तारीख थमां शुरू हो करदा है। आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में चलाए जा करते फिट इंडिया मुहिम तहत अज कठुआ के ड्रीमलैंड पार्क च आयुष आसिया एक योग शिविर लगाया गया। इस मौके योग शिक्षकें ते आयुष महकमे के डाक्टरें योग के तरीकाकार ते इहदे फायदे बारे दसिया। मकामी लोगों योग के फायदे ते रोग नूं घराउणे वास्ते जागरूकता फैलाने ताईं आयुष विभाग के जतनों की सराहना की। अभी लोगों को योगा के बारे में बताया और उस पे अपनी सेहत को फिट रखने के। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जम्मू कश्मीर की इकाई ने आख्या है कि इस बरे आजादी के 75 वर्ष के संबंध में मनाए जा करते आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम तहत मंच की तरफा का अजे को लिए 10 जून तोड़ी थारे थारे विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाए। इस दौरान लोगों की केंद्र सरकार की योजनाएं और कल्याण स्कीमें बारे जानकारी दी जाए। स्वागत करता हूँ और हम भी इसी मिजाज के आदमी है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को जो कश्मीरी पंडित है उनका जो हक है सही मायने में जो अपने देश के अंदर रेफ्यूजी कैसे बन जाएंगे। डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।